हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्की व्लॉग्स। और दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो में आपको नई जगह पे लेके आया हूँ। मैं आपको लेके आया हूँ दिल्ली के पुराना किला में। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पुराना किला है और ये है हुमायूं दरवाज़ा। और भी मैं आपको यहाँ की जगह दिखाऊँगा, अंदर क्या क्या देखने लायक है वो सारी जगह घुमाऊँगा। यहाँ की क्या टाइमिंग है, क्या टिकट प्राइस है, पूरा यहाँ पर आज एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको दिखाते हैं दिल्ली का पुराना किला। इस किले तक पहुंचने के लिए अगर हम मेट्रो की बात करें तो दोस्तों, सबसे जो करीबी मेट्रो स्टेशन है वो है प्रगति मैदान। वहां से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है ये पुराना किला। और इस पुराने किले के बिल्कुल साथ में है चिड़ियाघर। ये देखिए, काफ़ी भीड़ यहां पे आई हुई है। लेफ़्ट साइड में दोस्तों आपको यहाँ की पार्किंग दिख जाएगी, आप सामने देख सकते हैं। यहाँ से अंदर चलते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, ये सारा पार्किंग एरिया है, काफ़ी बड़ा खुला एरिया है। यहाँ पे देखिए, बस पार्किंग है, कार पार्किंग है, स्कूटर पार्किंग है। इस पार्किंग का कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री पार्किंग है। और यहाँ से चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं टिकट खिड़की। ये देखिए, यहाँ आप सामने टिकट खिड़की देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आपको टिकट लेनी होगी पुराने किले के लिए, लेकिन अगर आप यहाँ से लाइन में लग के टिकट लेते हैं तो दोस्तों आपको ये टिकट 25 रुपये की पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपको 5 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा और 20 रुपये में आप टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पूरी जानकारी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बोर्ड पे पूरी डिटेल लिखी हुई है। ये आप सामने देख सकते हैं, ये है पुराने किले का मेन गेट। बाहर से ये एंट्री गेट बनाया गया है और बाहर ही आपको दोस्तों ये देखिए एक झील दिखाई देगी। यहाँ पे बोटिंग होती थी पहले, लेकिन अभी बोटिंग बंद की हुई है। यहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं तो इसकी आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी दोस्तों। दोस्तों ये है किले का मेन एंट्री गेट, आप सामने देख सकते हैं। दोनों तरफ बुर्ज बनाए गए हैं। इसे बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। सामने आप देख सकते हैं, काफ़ी मजबूत ये दरवाज़ा बनाया गया था। तो दोस्तों, इसकी अगर हम चार दीवारी की बात करें तो यहाँ की जो चारों तरफ दीवारें थी उनकी जो ऊँचाई थी वो 18 मीटर ऊँची थी। काफ़ी पुराना किला है दोस्तों। जितने भी दिल्ली के अंदर किले हैं उनके अंदर सबसे पुराना किला यही है, इसीलिए इसको पुराना किला भी कहा जाता है। यहाँ से चलते हैं अंदर और ये देखिए, सामने आप देख सकते हैं ऊपर छत कैसी है अंदर से। ये साइड में भी आप देख सकते हैं, ये बैठने के लिए जगह बनाई गई थी। दोस्तों इसको कहा जाता है बड़ा दरवाज़ा। अगर आप इसकी पूरी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अंदर एंट्री करते ही आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिखेगा, सामने आप देख सकते हैं। यहाँ की टाइमिंग की अगर हम बात करें तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये खुला रहता है। यहाँ पे दोस्तों साइट प्लान पूरा बनाया हुआ है, पत्थर के ऊपर आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरफ है, पूरी डिटेल इसमें आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये बाहर वही है जो मैंने आपको झील दिखाई थी। और इधर एक दरवाज़ा है जिसको बोलते हैं तलाकी दरवाज़ा। यहाँ पे जो गेट है, ये 3 गेट हैं इस किले के अंदर मेन। एक तो जो बड़ा दरवाज़ा जहाँ से हमने एंट्री करी थी, एक तलाकी दरवाज़ा और एक इधर है हुमायूं दरवाज़ा, तो वो भी आपको दिखाएँगे आगे जाके। ये देखिए, साइड से देख सकते हैं आप कितने प्यारे फूल यहाँ पे लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से दिख रहा है और बीचों बीच लगा हुआ है तिरंगा। दोस्तों यहाँ पे किले के अंदर हम अगर बात करें तो यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मस्जिद थी। यहाँ से चलते हैं आगे, ये मस्जिद मैं आपको दिखाऊँगा नज़दीक जाके दोस्तों। यहाँ से एंट्री है आगे जाने के लिए। ये देखिए, मस्जिद की साइड की दीवार मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये कितनी मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। और ये नीचे आप दरवाज़ा देख सकते हैं, लकड़ी का दरवाज़ा है, ये कई 100 साल पुराना ये दरवाज़ा है, आज भी मजबूती के साथ यहाँ पे ये खड़ा है दरवाज़ा दोस्तों। आप देख सकते हैं, इसको छूकर देखते हैं, ये लकड़ी बहुत ही मजबूत है। आजकल अगर आप देखें तो ऐसी लकड़ी तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। आप सामने देख सकते हैं, आज भी काफ़ी मजबूत लग रहा है ये। ये पत्थर देखिए आप, पूरी तरह से घिस चुका है। तो दोस्तों ये जो मस्जिद थी, इसको 1541 ईस्वी में बनाया गया था। इस मस्जिद का नाम मैं आगे आपको दिखाता हूं दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है
किलाए कुहना मस्जिद। जी हाँ, किलाए कुहना मस्जिद इसका नाम है और शेर शाह सूरी ने दोस्तों इसको बनवाया था। दोस्तों ये जो मस्जिद थी इसके ऊपर आप देख सकते हैं, मैं आपको सामने दिखाता हूँ, देखिए लेफ्ट साइड में आपको सामने मस्जिद दिख रही होगी। इस पूरी मस्जिद के ऊपर बीच में एक ही गुम्बद था और वो सामने आप देख सकते हैं 5 इसके मेन दरवाजे बनाए गए थे। ये देखिए 5 इसके मुख्य द्वार थे और इसको बनाने में दोस्तों लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ आप देख सकते हैं एक काफ़ी पुराना कुआं है, ये आपको दिखाते हैं, जाली में से आप देख सकते हैं नीचे, वो देखिए अब तो ये सूख चुका है। और यहाँ पे एक अंदर पत्थर लगा हुआ है दोस्तों, उसके ऊपर कुछ डिटेल लिखी हुई है, यहाँ से पढ़ी नहीं जा रही लेकिन हो सकता है कि इसकी हिस्ट्री इसके ऊपर लिखी हो। अब आप ये नीचे देख सकते हैं, नीचे भी कुछ ये कमरे से बनाए गए थे और ऊपर है ये मस्जिद। अब हम चलेंगे थोड़ा सा इसके अंदर, बाहर से आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत मस्जिद ये बनाई गई थी। इस मस्जिद की दीवारों पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुरान शरीफ की सूरतें अंकित हैं, कई जगह पे आप देखेंगे। ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखा रहा हूँ, काफ़ी क्लोज आप देख सकते हैं। ये है दोस्तों अंदर से छत, कुछ इस तरीके से ये आपको दिखाई देगी। नक्काशी आप देख सकते हैं अंदर दोस्तों, कितनी बारीकी तरीके से इसके अंदर काम किया गया था। दोस्तों ये जो 2 मंजिला इमारत आपको दिखाई दे रही है इसका नाम है शेर मंडल, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसको भी शेर शाह सूरी ने बनवाया था दोस्तों, तो बाद में हुमायूं ने इसके अंदर पुस्तकालय बनवा दिया। तो जैसा कि इतिहास में बताया गया है कि इसी पुस्तकालय के अंदर एक दिन किताबें पढ़ने के बाद, किताबें हाथ में लेके जब हुमायूं सीढ़ियों से उतर रहा था तभी उसको अजान की आवाज़ सुनाई दी। तो जैसा कि उसने अपने जीवन में नियम बना रखा था कि जब भी उसको अजान की आवाज़ सुनाई देती थी तो वो उसी टाइम उसी जगह पे घुटनों के बल बैठ जाया करता था, उस दिन भी उसने ऐसा ही किया, वो वहीं सीढ़ियों में बैठने लगा। तो जैसे ही वो बैठने लगा तो उसके जो पैर थे वो उसकी पोशाक के अंदर उलझ गए, जिस कारण वो वहीं सीढ़ियों में गिर पड़ा। उसके सर में इतनी गहरी चोट आई कि जिस चोट की वजह से उसकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों यही वो बिल्डिंग है जिसमें उसको चोट लगी थी और उसके बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। आप ये देख सकते हैं बाहर से दोस्तों, इसको बोलते हैं शेर मंडल। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है हमाम, इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये स्नानागार हुआ करता था, यहाँ पे स्नान करने की ये जो जगह थी ये बनाई गई है, इसको उस टाइम हमाम बोला जाता था। ये आप सामने देख सकते हैं, अब इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है लेकिन फिर भी इसको संभाल कर रखा गया है। आप सामने देख सकते हैं छोटी छोटी ईंटों का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया था। ये सामने आप देख सकते हैं शेर मंडल, इसके बिल्कुल सामने दोस्तों ये हमाम है, ये देखिए। चलते हैं हम यहाँ से आगे, ग्रीनरी आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, काफ़ी ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी। इसकी अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो दोस्तों ये जो पूरा किला है ये करीब करीब 2.5 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है और वो सामने आपको जो दिख रहा है वो है हुमायूं दरवाज़ा। चलिए ये देखिए यहाँ पे आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं, पत्थर के ऊपर पूरी लिखी हुई है। अब यहाँ से चलेंगे आगे और आपको दिखाएंगे हुमायूं दरवाज़ा, नज़दीक से जाके देखते हैं कि कैसा दिखता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों सामने आप देख सकते हैं हुमायूं दरवाज़ा, ये देखिए 3 मंजिला है, ये ऊपर 2 गुम्बद से बने हुए हैं। बाहर आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ ऐसे बनाई गई हैं जैसे कि ओपन थिएटर आपने देखे होंगे। और ये देखिए अंदर से, अब मैं नीचे जाके आपको दिखाऊंगा। सामने आप देख सकते हैं अब इस दरवाजे को बंद कर दिया गया है,
दीवार आपको सामने दिख रही होगी, अब इसको बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये देखिए साइड में यहाँ पे बैठने के लिए जगह बनाई गई थी, ऊपर आप देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे झरोखे बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से बाहर देख सकते हैं आप। और यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी गैलरी होती थी पहले, अब ये पूरी तरह से टूट चुकी है। ये यहाँ पे उनके ये पिलर होते थे, अब आपको सिर्फ पत्थर दिख रहे होंगे। हाँ तो दोस्तों, मैं बैठा हूँ इस टाइम दिल्ली के पुराने किले में। ये वही किला है जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, और ये जो किला है ये शेरशाह सूरी ने 1540 से 45 के बीच में बनवाया था। तो दोस्तों और आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है और ख़ास देखने लायक है। काफ़ी बड़ा किला है, यहाँ पे चलते चलते आप थोड़ा सा थक भी जाएंगे, तो ऐसी और बहुत सारी आपको जगह मिलेंगी जहाँ पे आप बैठ के कुछ टाइम विश्राम कर सकते हैं। तो ऐसा ही मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बैठ के और यहाँ का थोड़ा सा नज़ारे देख रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है जहाँ पे जो भी पुरानी वस्तुएं थी उनको संभाल कर रखा गया है। तो ये भी जब आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे अंदर जाके आप देख सकते हैं इस पर भी। ये देखिए बाहर से आप देखिए, दिख रहे होंगे आपको शीशे के अंदर, ये कुछ पुराने पत्थर, कुछ पुरानी मूर्तियाँ इसके अंदर संभाली हुई हैं। हाँ तो दोस्तों, दिल्ली का पुराना किला मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पे जो भी अच्छी अच्छी जगह थी दिखाने लायक, वो पूरी आपको दिखाने की कोशिश की है, पूरी डिटेल बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए, और कमेंट करके मुझे ये भी बताएं कि और कहाँ कहाँ की वीडियो आप देखना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो नीचे बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जितनी ऐसी और वीडियो आने वाली है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू।